ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रियों के शिविर पर हमला हुआ है। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्री जो कि बालटाल में शिविर लगाए हुए थे, उनके शिविर पर एक हमला हुआ है। विशेष समुदाय के लोगों ने उन पर ये हमला किया है। तो जम्मू के बालटाल में अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ है। आपको बता दें कि विशेष समुदाय के लोग थे जिन्होंने ये हमला किया है। शिविर में तोड़फोड़ की गई, यात्रियों के साथ अभद्रता की गई। समुदाय विशेष शिविर में घुसा, यात्रियों के साथ सामान के साथ तोड़फोड़ की गई, यात्रियों के साथ मारपीट की गई। आपको बता दें कि कई यात्री घायल हो गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि बालटाल में जहां अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों ने शिविर लगाया हुआ था, उस शिविर पर हमला किया गया। विशेष समुदाय के लोग थे जिन्होंने ये हमला किया। यात्रियों के साथ मारपीट की गई और तोड़फोड़ की गई, इस तरह की खबर मिल रही है। तो आपको बता दें कि बालटाल के रास्ते में यात्रियों ने यह शिविर लगाया हुआ था, जिस शिविर पर विशेष समुदाय के लोगों ने हमला बोल दिया और इस हमले में यात्रियों के साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई। और इसके साथ ही जो सामान यात्रियों के साथ था या शिविर में जो सामान रखा हुआ था, उसके साथ तोड़फोड़ की गई। तो विशेष समुदाय के लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस पूरी यात्रा में जो शामिल थे लोग, उनके साथ अभद्रता की, उनके सामान के साथ तोड़फोड़ की गई। शिविर में घुसे वो लोग और उसके बाद यात्रियों पर के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी, शिविर में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। हालांकि अभी इस तरह की कोई खबर नहीं मिल पा रही है कि कितना नुकसान यहाँ हुआ है या यात्रियों को किस तरह की चोटें आई हैं, लेकिन फिलहाल इस तरह की खबर मिल पा रही है कि अमरनाथ यात्रियों से मारपीट की गई है, कई यात्री घायल हैं। किस तरह की चोटें यात्रियों को आई हैं, ये बात अभी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई। फिलहाल इस तरह की खबर मिल रही है कि जम्मू के बालटाल में अमरनाथ यात्रियों पर हमला किया गया। बालटाल में यात्रियों ने शिविर लगाया हुआ था, जिस शिविर में विशेष समुदाय के लोग घुसे, यात्रियों के साथ यहां मारपीट की गई और शिविर में तोड़फोड़ की गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अमरनाथ यात्रियों के साथ मारपीट की खबर इस वक्त हमें मिल पा रही है। आपको बता दें कि यात्रा पहलगाम से शुरू की जाती है। हालांकि इस बार यात्रा पहलगाम के रास्ते से शुरू नहीं की गई, क्योंकि ज्यादा बर्फबारी की वजह से वो रास्ता बंद कर दिया गया। इसीलिए इस बार बालटाल से यात्रा शुरू की गई है। तो बालटाल में ही अमरनाथ यात्रियों ने शिविर लगाया हुआ था और किसी समुदाय विशेष के लोगों ने यात्रियों के साथ अभद्रता की, यात्रियों के साथ मारपीट की गई, शिविर में घुसकर तोड़फोड़ की गई। तो इस पूरे मामले में, इस पूरी हाथापाई के दौरान कई यात्री घायल हो गए। आपको बता दें कि फिलहाल इस तरह की कोई जानकारी हमें नहीं मिल पा रही है कि यात्रियों को किस तरह की चोटें आई हैं या कितना नुकसान शिविर में किया गया है। फिलहाल यही जानकारी मिल पा रही है कि जो यात्री यहां मौजूद थे, उनके साथ मारपीट की गई है, अभद्रता की गई है, शिविर में तोड़फोड़ की गई है। और बालटाल में यात्रियों का ये शिविर लगा हुआ था जहां पर ये पूरा वाक्या सामने आया। तो एक बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार अमरनाथ यात्रा को लेकर यात्रियों में काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। जब से अमरनाथ यात्रा शुरू की गई है, तभी से यात्री लगातार बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और इस तरह की घटना देखने को मिली है, जिससे कहीं ना कहीं यात्रियों में भी काफी रोष है। चलिए इस पर पूरी अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालु संजय तिवारी। तो एक बार आपको फिर से बताना चाहेंगे कि अमरनाथ यात्रा के दौरान कुछ यात्रियों के साथ मारपीट की घटना एक सामने आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू के बालटाल में अमरनाथ यात्रियों पर हमला किया गया। तो अमरनाथ जाने वाले लोगों ने बालटाल में शिविर लगाया हुआ था, जिस शिविर पे एक विशेष समुदाय के यात्रियों ने यह हमला किया। यात्रियों के साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई और शिविर में तोड़फोड़ की गई। तो अमरनाथ यात्रियों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि इस पूरी मारपीट में कई यात्री घायल हो गए हैं। हालांकि इस तरह की खबर नहीं मिल पा रही है कि यात्रियों को कितनी चोटें आई हैं।